गुरुजी, एक आपके देखने वाले हैं, इनका नाम है देवांग कॉन्ट्रैक्टर, और ये प्रश्न पूछते हैं आपसे कि जो हिरण्यगर्भ, जो ये टर्मिनोलॉजी आती है हमारे वेदों में या उपनिषदों में, तो ये क्या है, इसके बारे में खोल के बताएं। हिरण हिरण्य का मतलब होता है सोना। हिरण्य माने सोना, ओम हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे। वो सोने की तरह जिसका गर्भ हो चमकदार, यानी जो इल्यूमिनेटेड हो, प्रकाश ही प्रकाश हो, जिसके गर्भ में ऐसी चमक हो जैसे सोना चमक रहा है। वो जो अल्टीमेट लाइट है, उस लाइट को हम कहते हैं हिरण्यगर्भ। अब दो तरह से इसको इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोगों ने, वेद ने तो कहा है कि पहले, सबसे पहले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, दी अल्टीमेट लाइट, अंधकार से नाश दिए सूक्त में कहा कि कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले लाइट हुई। ईसाई और मुसलमान भी यही मानते हैं, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वॉज लाइट, बाइबल कहती है। पहले कुछ नहीं था, अंधकार ही अंधकार था नाश दिए सूक्त में, तो गॉड के मुंह से निकला लेट देयर बी लाइट। और जैसे ही गॉड के मुंह से ये शब्द निकला, सारे में लाइट ही लाइट हो गई, प्रकाश ही प्रकाश। तो सबसे पहले उस हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, जो सूर्य जो सोने की तरह चमक रहा था। लेकिन हमारे यहाँ दूसरी जगह आया है, पुराणों में आया है हिरण्यगर्भ का मतलब, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ वो कौन था? ब्रह्मा। तो हमारे यहाँ ब्रह्मा के लिए हिरण्यगर्भ का शब्द जो पुराणों में हो गया है, लेकिन वेद में यह है कि हिरण्यगर्भ वो है जो प्रथम प्रकाश है, फर्स्ट लाइट, द फर्स्ट लाइट दैट इल्यूमिनेटेड द होल यूनिवर्स। एक ऐसी लाइट पैदा हुई जिसने सारे यूनिवर्स को इल्यूमिनेट कर दिया। वो लाइट जो है वो हिरण्यगर्भ है, वो सोने की तरह चमकदार है, सोने की तरह चमकती है बिल्कुल। और सोना जितना चमकदार होता है, वो आपको पता ही है कि ये जो सोना है सांसारिक सोना है, और जो अलौकिक सोना है वो कितना चमकदार होगा। तो हिरण्यगर्भ वो है जो गर्भ, जिसका गर्भ सोने की तरह चमक रहा हो, जिसका सेंट्रल पॉइंट प्रकाश ही प्रकाश से चमकता हो सोने की तरह, वो हिरण्यगर्भ कहलाता है। अब मैंने कहा कि हिरण्यगर्भ के दो अर्थ ले लिए हैं। वेद हिरण्यगर्भ को कहता है कि दी अल्टी दी फर्स्ट लाइट इन द यूनिवर्स, सबसे पहला जो प्रकाश दुनिया के अंदर पैदा हुआ वो हिरण्यगर्भ था। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, सबसे आगे सबसे पहले हिरण्यगर्भ पैदा हुआ। पुराण वालों ने कहा सबसे पहले जो पैदा हुआ वो चमकदार तो था, उसका प्रकाश ही प्रकाश था, लेकिन वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश था, और ज्ञान का प्रकाश कौन है? ब्रह्मा। तो पुराणों ने हिरण्यगर्भा को ब्रह्मा के साथ जोड़ने की कोशिश कर दी, लेकिन हम उसको लिमिटेड ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, वेद वाली बात को मानते हैं कि जो अल्टीमेट लाइट थी ना सबसे पहली, वो हिरण्यगर्भ है। सबसे पहले लाइट पैदा हुई, लेट देयर बी लाइट। मुसलमानों ने वही चीज़ बाइबिल से ली है कि सबसे पहले जब भगवान ने कहा कुन, तो कुन कहते ही सारे में रोशनी रोशनी हो गई, नूर नूर, एक नूर से सब जग उपजा, कौन बड़ा कौन छोटा। वो नूर जो है ना, पहला नूर प्रथम नूर, वो हिरण्यगर्भ है। उस हिरण्यगर्भ को हम कहेंगे सोने की तरह चमकता हुआ, हिरण्य की तरह से, ये हिरण्यगर्भ का अर्थ है। बहुत सुंदर। अब आप पुराणिक को भी मानो तो पुराण का भी यूँ कि हिरण, हम प्रकाश को मानते हैं कि प्रकाश तो ज्ञान का प्रकाश सबसे बड़ा होता है, तो पुराणों का ज्ञान का प्रकाश ब्रह्मा था, तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को मान लो। जी गुरु। लेकिन वेद कहता है कि नहीं, अल्टीमेट लाइट को हिरण्यगर्भ मानो, जो सबसे पहले लाइट पैदा हुई वो हिरण्यगर्भ है।